नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी विजिट्स में, जहां पे हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहते हैं। दोस्तों आज हम आपको लाए हैं फैजाबाद रोड पर। फैजाबाद रोड पे बेहतरीन रॉ हाउसेस बन रहे हैं। मैं इस प्रोजेक्ट पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, हो सकता है कि आप इस वीडियो को दोबारा देख रहे हो, या हो सकता है बहुत से फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो। तो यदि जो पहले देख चुके हैं उनके लिए अपडेशंस है कि और क्या क्या नई चीज़ें इसमें अपडेट हो चुकी है, और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन होगी यदि वो लखनऊ में बेहतरीन रेडी टू मूव हाउसेज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये लखनऊ की मे बी शायद यदि रॉ हाउसेज की देखी जाए तो बहुत बड़ी टाउनशिप डेवलप हो रही है। साथ में है नवनीत भैया। हेलो, नमस्कार नवनीत भैया। भैया कुछ आप अपने बारे में और कंपनी के बारे में सबसे पहले बताइए। नाम तो आपने मेरा बता दिया, फिर से मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। नवनीत मिश्रा मेरा नाम है, यश बिल्डर कंपनी हमारी है, हम उसमें एबीपी के प्रोफाइल पे हैं। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम यश पार्क सिटी का है जी। जो हमारी कंपनी है यश बिल्डर है, ये हमारे पिछले 5 सालों से हम पूरे लखनऊ में रो हाउसेस का काम कर रहे हैं, और लगभग 500+ मकान हमें डिलीवर्ड है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है कि वो हमारे जो मकान लोग ले चुके हैं उसमें जाके आप कस्टमर से डायरेक्ट इंट्रोड्यूस हो सकते हैं कि प्रोजेक्ट क्या करते हैं और क्या बनाते हैं हम। ये हमारी कंपनी के बारे में हो गया। रही बात प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट का बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ऑन हाईवे सिचुएटेड है। फैजाबाद, लखनऊ से जब आप फैजाबाद की तरफ बढ़ते हैं, शालीमार पैराडाइज पड़ता है जस्ट ऑन हाईवे, उसी के बगल में एचपी पेट्रोल पंप है। ऑन रोड पे मेन हाईवे से हमारी रोड कनेक्टेड 50 फीट की, वही मेन एंट्री हमारी आती है जो हमारी रोडों पर लिंक करती है। जिस रोड पर हम खड़े हैं ये 30 फीट की रोड है। ये प्रोजेक्ट जो है हमारा वो 1200 मकानों का है। इनिशियल लेवल पे लगभग हमने 203 मकान खड़े कर दिए हैं, बाकी मकान हमारे कंस्ट्रक्शन होते जा रहे हैं। लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो यहाँ हमारे प्रोजेक्ट पे है, हर लेवल पे इनिशियल जो फाउंडेशन लेवल वो भी चेक करना चाहिए कस्टमर, वो चेक कर सकता है कि हम फाउंडेशन कितना डाल रहे हैं। हम 12 फीट का फाउंडेशन डालते हैं जो नॉर्मल बिल्डर नहीं डालता है। साथ ही साथ जो भी क्वालिटी हम यूज कर रहे हैं, हमारे जो इसमें प्रोडक्ट हम बालू 1 फीट नहीं यूज करते पूरे सोसाइटी में। मोरंग से चुनाई, मोरंग से प्लस्तर है, अव्वल ईटा, माई सेमल्टाटिक सीमेंट, एशियन पेंट, एस्टल पाइप, ये सारी चीज आपको ऑन प्रोजेक्ट दिखेंगी। जैसे कस्टमर को ये नहीं कि वर्चुअल आपको बनी यूनिट में दे रहा हूँ, मैं ऐसी यूनिट दे रहा हूँ जो यूनिट बन रही है मकान में। जैसे हम जो बना रहे हैं वो हम घर बना रहे हैं। मकान और घर में डिफरेंस क्या होता है, घर जो हम अपने तरीके से बनाते हैं, मकान हम बिल्डर बनाते हैं, हम घर बना रहे हैं, ये डिफरेंस हमारे मकानों में मिलेगा। दोस्तों इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी होता है कि आप जिससे प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं कम से कम ये चीज़ आपको पता रहती है कि कंपनी बहुत पुरानी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। रीज़न क्या होती है, जितनी कंपनी पुरानी होती है और जो भी उनके फिर प्रोजेक्ट्स बनते जाते हैं उस पर आपको बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं, जो भी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है उस पर कंपनी पूरी तरीके से काम करती है। ये इसलिए इंट्रोडक्शन जरूरी है, जो कि मैं हर वीडियो पर आपसे कहता हूँ। भैया हमारे ऑडियंस को पहले ये बताइएगा कि फैजाबाद रोड से आपकी साइट की लगभग कितनी दूरी होगी? सर ये जो रोड आप कनेक्टेड देख रहे हैं मेन हाईवे से कनेक्टेड है, 50 मीटर्स मतलब मीटर्स में है जी, किलोमीटर्स नहीं, मेन 50 मीटर्स हमारा ये रोड है। इसी से रोड कनेक्टेड है, हमारे इनिशियल मेन हाईवे से मकान स्टार्ट हो जाते हैं। जो मेन रोड अंदर आ रही है साइड पे, ये कितनी चौड़ी होगी? ये 30 फीट की रोड है। मेन एंट्री हमने 40 फीट रखी, और जो हमारे अंदर सोसाइटी के अंदर 30-30 फीट की रोड रखी है, इससे वाइड रोड हमने ऑप्शन रखे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। दोस्तों जैसे भैया ने आपको बोला कि अंदर की सब 30 फीट की चौड़ी रोड आपको मिलेगी, फ्रंट की 40 फीट चौड़ी रोड है। भैया थोड़ा सा देखिए, आपने फैजाबाद रोड से दूरी तो बता दी, एक मेजर जो लैंडमार्क्स है वो बताइएगा कितने लैंडमार्क के लिए। सर हम कैसे कंसीडर करें तो मेन रोड पे शालीमार पैराडाइज है, इसके जस्ट बगल आप फैजाबाद की तरफ बढ़ते हैं केवल 10 मीटर तो आपका एचपी का पेट्रोल पंप है। एचपी पेट्रोल पंप लगी हुई साइट हमारी है, मेन हाईवे से लगी हुई साइट हमारी है। लोकेशन वाइज सामने सेठ विश्वम्भरनाथ कॉलेज है, हिंद मेडिकल कॉलेज है, मतलब 500 मीटर के प्रीमाइसेस बेसिक जो स्कूल कॉलेजेस मेडिकल कॉलेज सारे एलपीएस है, जयपुरिया है, ये सारी चीजें इस सोसाइटी के नियर बाई है। नियर बाई, अच्छा नियर बाई रेलवे स्टेशन कौन सा लगेगा आपको? जस्ट हमारी नियर बाई की जरूरत है, जस्ट पीछे सफेदा रेलवे स्टेशन, ये जो हमारा मकान है जे ब्लॉक के जस्ट पीछे स्टेशन है। हम एक रास्ता इधर से दिए हैं जो वॉकिंग आप जा सकते हैं स्टेशन पे, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है इधर आपका हाईवे है और इधर आपका रेलवे स्टेशन, बीच का प्रोजेक्ट है हमारा। अच्छा बहुत से क्लाइंट्स ऐसे पूछते हैं जो इस एरिया से वाकिफ नहीं होते, तो चार बाग पूछते हैं या गोमती नगर या पॉलिटेक्निक की कितनी दूरी होगी? देखिए सर जो इधर मेन तो जो कनेक्टिविटी हाईवे तो है सर, पॉलिटेक्निक से 9 किलोमीटर पर हम खड़े हैं, मेन पॉलिटेक्निक चौराहे से 9 किलोमीटर खड़े हैं। और जो अगर हम ट्रेन रूट की बात करें, चारबाग, बादशाह नगर, गोमती नगर और फिर मल्हौर जी, मल्हौर से ये जो दूरी है ये लगभग 7 किलोमीटर की है। इसी जो मेन मैक्सिमम चारबाग जो है वो लगभग 23 किलोमीटर यहाँ से है जी। जी जी अच्छा भैया यहाँ पे प्रॉपर स्कूल्स की वैन आती है छोड़ने के लिए? यहाँ पे एलपीएस, जयपुरिया सबकी वैन्स की आप यहाँ पे हैं, जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज है यहाँ पे रहती हैं, सबके बच्चे लगभग यहाँ के नियर बाई एक बढ़िया जयपुरिया है, आपका एलपीएस है, आपका मिलेनियम स्कूल है, ब्रांड है। लगभग कितनी फैमिली यहाँ आके शिफ्ट हो चुकी होगी? 65 फैमिली शिफ्ट हो चुकी है जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, हर ब्लॉक्स में लोग रह रहे हैं। दोस्तों देखिए आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल सामने ही है, यहाँ 65 फैमिली रहती है
यहाँ प्रॉपर उनके स्कूल लाने ले जाने के लिए वैन लगी हुई है। अभी छुट्टी हुई होगी, स्कूल के बच्चों को छोड़ने आई है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कि वीडियो बनाते वक्त ये सब चीज़ें आई और आपको सामने चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं। ओके भैया, ये चलते अंदर। भैया थोड़ी सी हम ये बात कर लें रेट की, तो जी जी कि कितने कितने रेट किया, क्या क्या साइज के यहाँ पे घर होंगे? बिल्कुल, यहाँ जो सर साइज हमने रखा है 1000 स्क्वायर फीट लैंड एरिया का मकान रखा है। जो अच्छा। कवर्ड एरिया है 1250 है, मतलब सिंगल फ्लोर हम बनाते हैं, ऊपर एक मुंडी छोटा स्टोर दे देते हैं, तो कवर्ड एरिया 1250 हो जाता है। ओके हाँ, और जो यहाँ पे यूनिट्स हैं, अभी जो हमारा फेज वन फेज टू दोनों कंबाइन करेंगे तो 1200 यूनिट का है, जिसमें फेज वन में लगभग 200 प्लस यूनिट रेडी हो चुकी हैं। okay. फेज टू में भी 36 यूनिट बन चुकी हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, मौके पे हर लेवल पे आपको मकान इंट्रोड्यूस हो सकता है। आप फाउंडेशन लेवल पे चाहे तभी आप मकान ले सकते हैं, और कंप्लीट मकान भी ऑफर है आपके। अच्छा, तो यहाँ पे देखा जाए तो मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट का है, उससे छोटा उससे बड़े नहीं है सर। ऑन डिमांड हम बड़े के ऑप्शन भी रखे, अगर कोई 1000 स्क्वायर मिनिमम रखा गया, अगर कोई बड़ा ऑप्शन चाहता है 2000-3000 तो वो भी ऑप्शन हम जनरेट कर देते हैं, ऑन डिमांड होगा। अभी एक बेस्ट पार्ट है जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा प्राइस रेंज के बारे में। ओके जी भैया, बहुत जरूरी होता है कि देखिए घर तो यहाँ पे कस्टमर लेता है, लेकिन बहुत जरूरी होता है कि घर के आसपास उसको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, जैसे पार्क, लाइट, इन सब चीजों को यदि हम देखा जाए तो आप क्या क्या दे रहे हैं? देखिए जो सबसे बड़ी पार्ट क्या है कि हम ये जो बना रहे हैं ये मकानों की सोसाइटी है, ये हम टाउनशिप बना रहे हैं। टाउनशिप में क्या होता है, बेसिक एमिनिटीज, रोड हमने वाइट दे दी है, पार्क हमने इंट्रोड्यूस किया, एंट्री पे भी आपको वो वीडियो में दिख जाएगा, मंदिर बना हुआ है, साथ ही साथ स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं। और जो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है, एंट्री पे ही हमने इस पे क्लब, जिम और कम्युनिटी सेंटर का भी ऑप्शन छोड़ा, वहाँ वो बनाने जा रहे हैं। कमर्शियल स्पेस भी छोड़ी गई जिसमें शॉप्स रहेंगी, तो मतलब एक जो घर के लिए बेसिक नीड्स है वो सारी चीजें। अच्छा, पार्क यदि देखा है तो लगभग कितना बड़ा पार्क होगा? में 6 पार्क दे रहे हैं। जो पहला पार्क हमने बना दिया वो 3000 स्क्वायर फीट का पार्क है, क्योंकि उसमें मंदिर भी इंट्रोड्यूस है। पीछे जे ब्लॉक में 7000 स्क्वायर पार्क है, और जो बीच के पार्क है 5000 स्क्वायर फीट के हमने पार्क डाले हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस बात को नोटिस कराऊंगा, पार्क बहुत मेजर चीज होती है एक टाउनशिप के अंदर, क्योंकि हम लोग सिर्फ घर देखते हैं, घर के साथ साथ आसपास की चीजें भी देखनी जरूरी है। क्योंकि यदि शाम के टाइम पे हमारे सीनियर सिटीजन हैं या हमारे बच्चे हैं, उनको खेलने का मन करता है, सीनियर सिटीजन पार्क में बैठना चाहते हैं, तो यदि आपके टाउनशिप के अंदर पार्क होंगे, और भैया ने तो बताया है यहाँ लगभग आप 6 पार्क दे रहे हैं, वो बन चुके बाकी बनाए जा रहे हैं, वो भी बड़े बड़े, तो ये बहुत एक अच्छा एक पॉइंट है यहाँ पे इस टाउनशिप को लेने के लिए, कि यहाँ आपको चौड़ी रोड, स्ट्रीट लाइट्स, नाली, सीवर और प्लस बड़े पार्क भी मिल रहे हैं। इवन जो लोग शिफ्ट हो रहे, देखिए सबने अपना नंबर नेम प्लेट भी लगा लिया, ये भी आप दिखाना चाहे तो जो यूनिट्स वाइज हमने क्लियर कर लिया, हर यूनिट पे लगा हुआ, जिन्होंने अपना अपना यूनिट ले लिया है, बुक हो गया, जो बुक हो गया, रजिस्ट्री हो गया, रजिस्ट्री हो गई है, लोग अपना अब घर प्रवेश करने की तैयारी में है। जी 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 भैया, चलिए पूरा घर दिखाते हैं। बिल्कुल आइए, थोड़ा सा मैं आपको फ्रंट दिखाना चाहूंगा, भैया थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। बिल्कुल, ये फ्रंट एलिवेशन जो इसका हमारा डायमेंशन है इस यूनिट का 20x50 का, जो इसका फ्रंट है 20 फीट का है, जो डेप्थ है 50 फीट की, ये हमारा इंटीरियर, ये हमारा सिग्नेचर है जो हमारे हर जगह, अगर आपको ये मकान कहीं दिखे समझिए हमारा है, यश बिल्डर वाला। बिल्कुल, यश बिल्डर का है। ओके, हम एंट्री करते हैं, ये हमारी एंट्री है, ये हमारी पार्किंग है, इसको हमने 16x8 की दी है, कोई भी सिडान, हैचबैक, इवन क्रेटा, सेल्टॉस तक गाड़ी से पार्क हो सकती है इजिली। साथ ही साथ एक हमने बाइक पार्किंग का ऑप्शन दिया है, इधर हम बाइक पार्क कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ भैया मैं देख रहा हूँ समरसेबल का भी कनेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडिविजुअल रहेगा हर बिल्कुल, के लिए सारी यूनिट का समरसेबल कनेक्शन इंडिविजुअल है, सबका मोटर अलग है, सबका सेफ्टी टैंक अलग है, साथ ही साथ सीवर का भी ऑप्शन है। सीवर, ये जो ढक्कन है भैया किस चीज का है? ये हमारा मोटर का ऑप्शन है, कि अगर आप मोटर कभी आपको रिप्लेस करना तो रिप्लेस कर। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। और जो सेफ्टी टैंक होगा वो कहाँ पर है? वो सेफ्टी टैंक ऑप्शन इधर रखा हुआ है, बिल्कुल अलग है, दोनों सेफ्टी टैंक और मोटर कनेक्शन अलग है, अलग अलग। और एक चीज अभी आप और बता दूंगा, जो इसका हमने वो किया है बोरिंग की है, ये 250 फीट पे की है, जो मैक्सिमम होता है। ओके ओके ओके, दोस्तों आप देख सकते हैं काफी स्पेस है, एक बाइक भी खड़ी है, मैं भी खड़ा हूँ। भैया आपने इसकी विड्थ कितनी बताई थी? ये 8 फीट का है, 8 फीट, 8x16 का जी। तो फॉर्च्यूनर भी व्हीकल से नहीं सर, फॉर्च्यूनर नहीं आएगी, बिल्कुल सिडान गाड़ी आपकी सियाज वरना तक आ जाएगी, हैचबैक में आपकी सेल्टॉस किया, सेल्टॉस तक गाड़ी पार्क होती है इजिली, लोगों ने पार्क की हुई पार्क की है। बट जो आपने फॉर्च्यूनर की बात की, तो हमारी सोसाइटी की रोड इतनी वाइड है, इतनी स्पेस, और ये टाउनशिप आउटर पूरी बाउंड्री के अंदर रहेगी। ओके ओके, ये जो हमारी पार्किंग है, इसमें जो हमने टाइल्स लगाई ओरियंट बिल्ड कंपनी की, डबल चार्ज टाइल्स है, रेक्टिफाइड टाइल्स हम लगाते हैं जो पार्किंग में लगाते हैं। ओके आइए हम चलते हैं अपने मकान में। जो हमारी एंट्री डबल डोर विंडो की, जो पहला हमारा नेट का है और दूसरा हमारा ये ISI की प्लाई का है विद सनमाइका है। okay. ये एंट्री हमारी डबल डोर है, साथ ही साथ जो विंडोज है हमारी वो भी डबल डोर विंडोज है, एक ग्लास की है और एक नेट की है। नेट की है,
देखिए दोस्तों, मॉस्किटो विंडोज की बहुत जरूरत पड़ती है। कई जो डेवलपर्स होते हैं वो सिंपल आपको ग्लास की विंडो बना के देते हैं, लेकिन यहाँ आपको डबल विंडो मिल रही है मॉस्किटो वाली भी। यदि आप चाहते हो कि शाम के टाइम पे ताजी हवा आए, मच्छर भी ना आए, तो इसका बहुत बड़ा रोल है जो कि ये लोग बना के दे रहे हैं। ये आपको विंडो पे भी मिल रही है, प्लस डोर पे भी डबल। बिल्कुल, एंट्री की जितनी डोर्स एंड विंडोज सब पे हमने ये ऑप्शन दिया हुआ है। साथ ही साथ आप आते थे ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम का जो साइज है ये 14x10 का है। ये 14 फीट इसकी लेंथ है और 10 फीट विड्थ है। ओके, अब आते हैं अपने वॉल पे। ये हमारी वॉल टेक्सचर हम ऑप्शन कस्टमर को ऑन डिमांड देते हैं, जो भी वो डिजाइन जो भी कलर चाहता है। एशियन पेंट लगा के देता हूँ, गूगल से डाउनलोड करके भेज दे, हम उस टेक्सचर को यहाँ उतार देंगे। तो ये वॉल टेक्सचर का हमने ऑप्शन, हम हर रूम में फॉर सीलिंग, इवन किचन में भी हमने फॉर सीलिंग, फॉर सीलिंग का ऑप्शन हम देते हैं। साथ ही साथ कंसील लाइटें लगा के देते हैं। मतलब यहाँ पे जो मेजर चीजें हैं, फॉर सीलिंग, टेक्सचर, वार्डरोब, ये सारी चीज आपको दिखाते रहेंगे। ये सब ऑप्शनल है जो डिमांड पे, इसकी कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। पसंद आपकी, बना के हम देंगे, लगा के हम देंगे। जो हमारे स्विचेस आते हैं, स्विचेस जो भी हमने लगाए सारे RR के हैं, जितने वायर्स हैं सारे RR के हैं। ब्रांड में कहीं पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये RR के स्विचेस हैं। हम चलते हैं डाइनिंग हॉल के स्पेस में। एक वॉल यहाँ भी हम टेक्सचर देते हैं। ओके, ये वॉल टेक्सचर भी हम करके देते हैं। डिमांड, कलर ऑप्शन आपका, कलर हमारा। और सेलिंग आपको किचन और डाइनिंग हॉल एरिया में मिलेगा। साथ ही साथ एक एंट्री हमारी ये भी होती है, जैसे कि हमने जो आजकल का ऑप्शन है, ये भी डबल डोर है आपकी जी। साथ ही साथ ये जो होता है मेजरली कर्टन से पार्टीशन कर दिया, तो आपका ड्राइंग रूम सेपरेट हो गया, ये आपका डाइनिंग हॉल और किचन ओपन हो गया। किचन में जो हम सारी चीज करके देते हैं, हम किचन का ऑप्शन आपको दिखाते हैं। प्रॉपर मॉडलर करके ये चीजें आपको कंप्लीट करके हम देते हैं। सूरज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज थोड़ा सा क्लोज आके दिखाइएगा। ये बॉक्सेस आपको प्रॉपर हम कंप्लीट करके आपको हम देते हैं। ओके, साथ ही साथ हम चिमनी लगा के देते हैं। ये चिमनी है, ये सनफ्लेम ब्रांड की चिमनी हम लगा के देते हैं। ओके, मॉडलर किचन प्रॉपर करके सनफ्लेम ब्रांड की चिमनी लगा के ये हम सब कुछ ऑप्शन करते हैं। गीजर का है, आरओ के लिए भी यहाँ पे स्पेस दे रखा है। आरओ का ऑप्शन है, गीजर का ऑप्शन, साथ ही जितनी फिटिंग्स हम लगाते हैं, जैसे सबसे तो ब्रांड ओरिएंटेड है हम। ये देखिए जितनी फिटिंग हमने लगाई, सब सेरा की लगाई है। दोस्तों, मैं आपको दोस्तों यहीं पे एक चीज नोटिस करना चाहूंगा कि पावर स्विच आपको दो दिए गए, यहाँ पे भी है दो, प्लस यहाँ पे भी एक्स्ट्रा दिए गए। ऐसे देखेंगे तो टोटल चार दिए गए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है किचन के अंदर कि कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज करने हैं और आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट नहीं कर पा रहे हो, आप चाहते थे कि वहाँ हो, तो इन्होंने ऑलरेडी पहले ही आपको 4 स्विचेस दे रखे हैं। कल आपको मिक्सी या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको यूज करना है तो आपको वो तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी इस पे लोगों ने काम कर रखा है। बिल्कुल, अब आते हैं पहले हम कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये कॉमन वॉशरूम जो एक हमने ढक दिया हुआ है, अभी सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होती है मकानों में कि रोशनी की, आप बीच की यूनिट को कॉर्नर यूनिट नहीं है, बीच की यूनिट भी अगर हम लाइट को ऑफ कर दें तो प्रॉपर रोशनी। क्यों, एक डक हमने ये ऑप्शनल दिया हुआ है ऊपर जिसमें हमारा ये बेसिन है, और एक हमने कॉमन वॉशरूम जो दिया इंडियन दिया। आइए इसको भी दिखा दें आपको, ये भी ऑन डिमांड है। आप इंडियन चाहोगे इंडियन देंगे, वेस्टर्न दोनों चाहोगे दोनों वेस्टर्न देंगे। नॉर्मली हम एक इंडियन एक वेस्टर्न देते हैं। गीजर के ऑप्शन, पावर प्लग हर बाथरूम में आपको अवेलेबल मिलेगा। जितनी फिटिंग यहाँ भी डाली सारी हमने सेरा की डाली हुई है। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ये हमारा मास्टर बेडरूम है जो आपका 12x10 का है। ये 12 फीट इसकी लेंथ है और 10 फीट इसकी चौड़ाई है। और इसके साथ अटैच हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम का जो आप स्पेस देखेंगे, वॉशरूम में भी हमने ये वेस्टर्न दिया हुआ है और एक हमारे खड़े में प्रॉपर स्पेस है। 8 फीट तक हम टाइल लगा के देते हैं। एक ओटीएस यहाँ भी दे दिया, क्योंकि जो गैस गीजर आजकल चले हैं तो उसके लिए वेंटिलेशन का हमने ऑप्शन दे दिया है। ये हमारा मास्टर बेडरूम हो गया। अब हम चलते हैं नॉर्मल बेडरूम में। एक चीज मैं नोटिस करना चाहूंगा अपने ऑडियंस को कि हर वॉल पे स्विच यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पर भी है, MCV यहाँ पे भी है, फॉर सीलिंग है, और यहाँ पे भी है। देखिए इसका बेनिफिट वही चीज है कि कल आपको लगता है कि कुछ टीवी मेरे को यहाँ नहीं, यहाँ लगानी है, वहां लगानी, कुछ भी आपको कुछ भी करना होगा तो पावर स्विच हर वॉल पे दिए, ये बेहतरीन चीज है। और एक चीज और इसमें फोर सीलिंग करके दिया, कलर ऑप्शन आपके साथ। फोर सीलिंग तो वही, मैं जैसे देख रहा हूँ शायद टॉयलेट को छोड़ा है, बाकी हर जगह इन्होंने फोर सीलिंग बेहतरीन बना रखी है। आते नॉर्मल बेडरूम है सर। हाँ जी, ये हमारा नॉर्मल बेडरूम है जो इसका भी साइज है, ये आपका 12x12 का है। ओके, ये 12x12 का है। इसमें एडिशनल हमने क्या डाला, एक ओटीएस डक यहाँ भी डाल दिया, वॉशिंग मशीन के लिए ऑप्शन है जी। इस डक में हम आएंगे जी, तो यहाँ पे हमने पावर प्लग का ऑप्शन दे दिया है। ये पावर प्लग है, यहाँ पे हमने फिटिंग डाल दी जिससे आप वॉशिंग मशीन यहाँ यूज कर सकते हैं। ये जो एरिया है आपने ओपन है, वॉशिंग मशीन के लिए ये भी ऑप्शन है।
साथ ही साथ एक हमने ये ऑप्शन दिया हुआ है, एक वार्डरोब भी हम देते हैं, एक नीलकमल के वार्डरोब में ऑफर करते हैं जी, बट पोर्टेबल रहते हैं ये, और स्पेस का ईशान कोण है, इसको आप एज अ पूजा घर भी यूज कर सकते हैं। ये पोर्टेबल वार्डरोब इसलिए थे, इसको आप पार्टीशन वाइज कुछ भी यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हैं, इसमें फोर सीलिंग कर दिया है। बिल्कुल दोस्तों, मैं एक चीज और नोटिस करना चाहूंगा कि देखिए इस घर में दो OTS दिए गए हैं। दो OTS का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वेंटिलेशन बहुत ही स्ट्रांग रहता है। यदि आप बेडरूम में बैठे हैं, सपोज मान के चलिए लाइट नहीं है, इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है आपका, तो आपको हवा का फ्लो फील होगा इस पूरे घर में, और सनलाइट प्रॉपर आती है। दूसरी चीज, सबसे जरूरी चीज है कि वास्तुशास्त्र में माना जाता है जिस घर के अंदर प्रॉपर लाइट आ रही हो, हवा आ रही हो, ताजी हवा आ रही हो, तो उसमें हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। वो आपको इस जो इंटीरियर बनाया गया है, जो रॉसेस बनाए गए, इन सब चीजों पे इसका ध्यान रखा गया हुआ है। आइए अब छत की तरफ चलते हैं। जो चीजें ये स्टेज से ऊपर आ गया जी, ये हमने एक छोटा सा स्टोर दे दिया है, जो आपका स्टोर 8x5 का है। कोई भी आपका वेस्टेज जो मकान के अंदर नहीं रखना चाहते, उसको आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। इवन छत के साथ ही जो हम मतलब पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ होते डेयरी जी बॉक्सेस, जिसमें हम स्टोर करते हैं अपने राशन को, तो वो भी यहाँ रख सकते हैं जी। ये ग्लास से लगा दीजिए, इसमें प्रॉपर रोशनी आपके स्टेयर्स पे जाती रहती है। यहाँ पे हम टफन ग्लास लगाते हैं, आगे जैसे लगा हुआ है, इस यूनिट में हमको लगाना है। सामने हम टफन ग्लास लगा चुके हैं, इसमें वगैरह टफन ग्लास लगाएंगे। ओके, अब निकलते हैं उसके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे, जो मेजर चीज होती है मकान में जी। मेजरली बिल्डर्स क्या करते हैं कि यूनिट्स में जो फाउंडेशन बनाते हैं वो एक जॉइंट बनाते हैं। हमारा बेस्ट पार्ट क्या है, ये देखिए फाउंडेशन, ये इनके पिलर अलग हैं, इनके पिलर अलग हैं, बीच में 4 इंच का पार्टीशन है। अच्छी चीज बताई है, घर बनाते वक्त इन सब चीजों का इन लोगों ने ध्यान रखा गया है, जो कि आगे फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और पड़ोसियों से कोई मतभेद फ्यूचर से दिखाना ही नहीं है। देखो बगल में बन चुका है ये मकान, कंस्ट्रक्शन करते अपना पिलर छोड़ दिया, इधर मकान कंस्ट्रक्शन हो चुका पिलर छोड़ के, कुछ भी वर्चुअल नहीं, सब कुछ आपको साइड पे दिख जाएगा, चाहते क्या देखना। अरे वाह, अरे वाह। और मेजर पार्ट के देखिए, हमने जो ड्रेनेज की पाइप यूज है, वाटर सप्लाई की पाइप है, सब एस्टेल की यूज की, सुप्रीम एस्टेल की पाइप यूज की है। और जितनी ड्रेनेज की पाइप है, ये भी हम आप ब्रांड दिखा सकते हैं, ये भी हमने सुप्रीम की यूज की है, सुप्रीम की है, ब्रांड हर जगह हमने प्रॉपर यूज किया है जी 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 जी। पार्क दिखाते हैं जी, ये सबसे बेस्ट पार्ट, पार्क में लोग पार्क बनाते हैं, हमें गिफ्ट में मंदिर मिला है। अरे वाह, ये 1986 का मंदिर है माता जी का, ये पहले से बना हुआ था, उस मंदिर को हमने अपनी सोसाइटी के अंदर रख के डेकोरेट कर दिया है। माता जी का मंदिर लगा हुआ है शिव जी के, और मतलब पूजा के लिए ऑप्शन पहले से था, तो हमने इसको अपने सोसाइटी के अंदर ले लिया। बहुत बढ़िया। साथ ही साथ हमने पार्क डेवलप किया, अब इसमें स्टेयर्स अपनी चेयर्स वगैरह लगानी है हमको, झूले लगाने हैं जी। ये कॉमन पार्क है, हाईवे से ये सामने अपना हाईवे दिख रहा है, रोड दिख रही है, गाड़ी आ रही है सामने मेन रोड से, ये अपनी सोसाइटी की डिस्टेंस है। ये पार्क हमने पहले से बनाया, इसमें नीम का पेड़ पुराना है, तो यहाँ लोग बैठ के ये अपना पूजा भजन कीर्तन सब कुछ कर सकते हैं। और एक और अलग मंदिर देख के मतलब हर कम्युनिटी का वेलकम, हमारे यहाँ मुस्लिम भी लिए, क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी हैं, हर कम्युनिटी रेजिडेंस कर रही है, ऐसा कोई वर्चुअल नहीं है। आप जे ब्लॉक में जाएंगे आप मुस्लिम मिल जाएंगे, आप आई ब्लॉक में हिंदू मिलेंगे, हर तरह के लोगों का स्वागत हमारे यहाँ। ओके ओके भैया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे एक बार इंट्रोडक्शन करवाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ, या कितने साल से यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल क्या रहा, बिल्कुल वे इंट्रोड्यूस करते हैं, आइए आपको मिलाते हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? जी सर, नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हैं? भैया थोड़ा सा हम आपसे अनुभव लेना चाहते हैं यहाँ रहने का, कि कैसे आपको यहाँ फील होता है चीजें, क्योंकि आप यहाँ ऑलरेडी रहते हैं, तो भैया थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा, कितना टाइम हो गया आपको बुक किए हुए और यहाँ शिफ्ट किए हुए? बुक किए तो 1 ईयर हो गया, राइट? ओके, और रजिस्ट्री जो हमने की है बिफोर 7 मंथ। ओके, अच्छा 7 मंथ। एंड शिफ्ट जो हुए हम लोग ये नियर बाय 1.5 मंथ हो गया। ओके ओके, तो यहाँ पे कैसे आप यहाँ रहते हो, तो कैसा आपको फील होता है, चीजें कैसे? फील अच्छा, आप पूरी फैमिली के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं? फैमिली के साथ। तो सेफ्टी सिक्योरिटी फील करते हैं आप यहाँ पे? हाँ, सिक्योरिटी ठीक है भैया, ऐसा कोई इशू नहीं हुआ आज तक का, है ना? ओके, है ना। अच्छा, तो आपने देखिए लखनऊ में बहुत ज्यादा रॉ हाउसेस बिक रहे हैं, तो आपने यही लोकेशन क्यों पसंद की? नहीं, बेसिकली मैं तो रहने वाला लोकल बाराबंकी का हूँ, ठीक जी, है जी। हमने सर्च बहुत सारे जगह किए जी, तो मुझे अपने अकॉर्डिंग सूटेबल लगा कि यार ये ठीक पर लगे, लोकेशन ही गुड है ना, गुड है, बिल्कुल कभी भी आ सकते हैं, मेन हाईवे से, तो कहीं आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नो इशू, नो इशू। ओके ओके, तो सबसे अच्छी चीज यदि पूछा जाए आपको इस पूरी सोसाइटी में क्या लगा होगा? लोकेशन ठीक है, लोकेशन सबसे बेस्ट है। ओके ओके ओके, यदि आप देखा जाए तो आपके घर के ठीक सामने पार्क भी है। हाँ, पार्क ही मंदिर भी है, तो कोई सीनियर सिटीजन या बच्चों को खेलने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, खेलने अभी सीनियर सिटीजन तो कोई है नहीं फिलहाल, मॉम डैड है, बट यहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं। ओके ओके, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं, बच्चों को कोई इशू नहीं खेलने। ओके, यदि हमारे जो नए यहाँ पे बायर्स आने वाले हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे साइट को लेके, कि उनको यहाँ लेना चाहिए,
नहीं देखिए वो तो उनकी अपनी चॉइस है जी जी, कोई कस्टमर आता है उसकी अपनी चॉइस है। यदि इस पूरी मॉल को देखा जाए, जैसे स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स, पार्क, सब चीजें मिल रही हैं, उसको देखा जाए तो एक आपका अनुभव के हिसाब से ठीक है, 90% ठीक है, 90% ठीक है। ओके ओके, थैंक यू भैया। ओके थैंक यू, थैंक यू भैया। जैसे कि हमारे वीडियो को देख के बहुत सारी हमारी ऑडियंस आपको कॉल करेगी और यहाँ पे साइट विजिट करेगी और खरीदेगी भी, तो उनके लिए कुछ ऑफर आप दे सकते हैं? बिल्कुल ऑफर है सर, इनिशियल वीडियो के मिड में हमने कहा था कि अभी वीडियो के बाद में ये सरप्राइज आपको दूंगा जी। तो जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमारे पास आता है वो कस्टमर किसी भी रीजन, किसी भी देश, किसी भी कहीं से भी आता है, उसको एडिशनल 2% डिस्काउंट आपके चैनल के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों बहुत अच्छी चीज है, आप देखिए इस वीडियो पे एक नंबर चल रहा है, भैया का नंबर है, आप तुरंत कॉल करिए, आपको साइट समझ में आ रही है तो आप सबसे पहले साइट विजिट करिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक वीडियो में पूरी साइट को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, आप खुद जहाँ साइट पे आइए, अपने अकॉर्डिंग साइट को देखिए और आपको पसंद आ रही हो तो आप परचेस करिए। जब आप परचेस कर रहे हैं तो भैया को जरूर बताइएगा कि पहली वीडियो हमने प्रॉपर्टी विजिट्स में देखी थी, और यदि आप इसको बताएंगे तो 2% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये सामने जो आप रोड देख रहे हैं ये फैजाबाद रोड से आ रही है, मात्र 50 मीटर की दूरी पे फैजाबाद रोड है, और इधर आप सूरज दिखाइएगा, इस पूरी साइड के हमने अभी वीडियो में आपको दिखाया है, ये पूरी साइड दिखा रहे थे, ये फेस वन है और ये जो रोड गई है ये फेस टू है। भैया थोड़ा सा मेरे को ये बताइएगा कि क्या क्या प्राइस रेट है और क्या क्या। बिल्कुल बिल्कुल, इस रोड से जो हमारे एंट्री, जो हमारे मकान बने हुए और बन रहे हैं, इसका प्राइस 50 लाख का है। ये जो मेन हमारी क्रीम रोड 50 फीट के, वहाँ इनिशियल कंस्ट्रक्शन चल रहा, वहाँ केवल 15 यूनिट है जिसमें से दो हमने बेच दी है, टोटल हमारी बची हुई 13 यूनिट, उसकी जो कॉस्टिंग हमने रखी 55 लाख का है। एडिशनल डिस्काउंट उसमें भी 2% का आपको मिलेगा उस यूनिट पे भी। अच्छा, साथ ही साथ भैया ये भी बता दीजिए कि बैंक लोन के बारे में। बिल्कुल, बैंक लोन लगभग हमारा प्रोजेक्ट हर बैंक से अप्रूव्ड है, हमारा लेआउट अप्रूव्ड है, हम आपका नेशनलाइज बैंक से भी लोन करा रहे हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज भी, LIC, HDFC, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB हाउसिंग, सारे से लोन अप्रूव प्रोजेक्ट है। आपके अगर 5 लाख रुपया तो आप हमारे मकान ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मैंने अधिकतर देखा है कि लोग वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों क्या कीजिए, हम थोड़े से मोटिवेट होते हैं क्योंकि हमें लगता है जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, वो आपके कहीं ना कहीं काम आ रही है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।